अभी का जो हमारा टॉपिक है ना एंजाइम रिंग रिसेप्टर्स, ठीक है, तो ये क्या होता है ये हम लोगों को डिटेल में देखना है। बट इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोगों को इसके आगे स्टडी करना है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। तो मैं कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर समझ में आए। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो रिसेप्टर होता है ना उसका कुछ क्लासिफिकेशन था या चीजें, और क्लासिफिकेशन क्या था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पे था। लोकेशन के बेसिस पर हम लोग रिसेप्टर्स को क्लासिफाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि रिसेप्टर्स का दो ये होता है क्लास होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। पहला क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर सेलुलर, एंड सेकंड क्लास इज कॉल्ड क्या सेल कल्चर रिसेप्टर, ठीक है ना। यही दो टाइप का क्या आपको बोलेंगे कि रिसेप्टर्स मिल जाए, लेकिन यहाँ पे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स है। क्या देखिएगा कि नाम से लग रहा है इंट्रा सेलुलर, मतलब ऐसा रिसेप्टर जो सेल्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो सेल्स के अंदर कहाँ पर मिलेगा, एक हो सकता है साइटोकोर में मिलेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे वैसे रिसेप्टर को साइटोकोरिक रिसेप्टर, और एक हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा, हम लोग क्या बोलेंगे न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर। बताने का मतलब ये हो गया कि इंट्रा सेलुलर जो रिसेप्टर होता है उसका दो टाइप होता है, क्या क्या, साइटोकोरिक रिसेप्टर और हम बोलेंगे न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है। तो अभी हमको इस पे फोकस नहीं करना है, अभी हमको फोकस करना है किसपे, सेल सरफेस रिसेप्टर पे, क्योंकि जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर जो होता है वो किसके अंदर आता है, सेल सरफेस रिसेप्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो देखो सेल सरफेस रिसेप्टर को अगर हम लोग देखेंगे तो उसका भी हम लोग बोलेंगे थ्री मेजर क्लासेस है, या हम लोग बोलेंगे थ्री मेन टाइप है, ठीक है। जो सबसे पहला वो क्लास है, सबसे मेन जो टाइप है सेल सरफेस रिसेप्टर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। और जो सेकेंड जो टाइप होता है सेल सरफेस रिसेप्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर, जिसमें हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। और जो थर्ड टाइप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आयन चैनल रिसेप्टर, ठीक है, जो हम लोग को इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। वहाँ तो देखो चाहे कोई सा भी रिसेप्टर हो, चाहे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो, चाहे एंजाइम लिंक रिसेप्टर हो, चाहे आयन चैनल रिसेप्टर हो, सारा रिसेप्टर कैसा रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे सारा का सारा रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। चाहे वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो, चाहे वो एंजाइम लिंक रिसेप्टर हो, चाहे वो आयन चैनल रिसेप्टर हो, ठीक है ना। इस चीज को एकदम याद रखना है, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स का, ठीक है ना, इसका मैं जो लेक्चर बनाया हूँ या जो वीडियो मैं बनाया हूँ वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप लोग देखना, ठीक है। तो अभी आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा एंजाइम लिंक रिसेप्टर पे, ठीक है ना, इस पे फोकस कीजिएगा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्या होता है। तो देखो सबसे पहले ये चीज दिमाग में रखना, ये जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली होता है, किसका, सेल सरफेस रिसेप्टर का, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली सेल सरफेस रिसेप्टर का क्या था, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, हम लोगों ने देख लिया। जो सेकेंड लार्जेस्ट जो फैमिली होता है सेल सरफेस रिसेप्टर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर, इस चीज को याद रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम में लिखा है कि सेकेंड मेजर फैमिली ऑफ दैट इज हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। तो अब देखो अब नाम नाम से जाओ कि क्या होता है, देखो एंजाइम लिंक रिसेप्टर ना इसका मतलब हो गया कि वैसा रिसेप्टर जिसके साथ क्या चीज लिंक होगा, हम लोग बोलेंगे एंजाइम लिंक होगा, ठीक है ना। तभी वैसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे एंजाइम लिंक रिसेप्टर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एंजाइम लिंक रिसेप्टर अगर हम लोग इस टर्म को लेंगे तो इस टर्म में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम लिंक रिसेप्टर का डेफिनेशन है। इसका मतलब हो गया कि एंजाइम लिंक रिसेप्टर वैसा सेल सरफेस रिसेप्टर होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि जो रिसेप्टर होता है उसमें क्या सा एक्टिविटी होगा, हम लोग बोलेंगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी कभी रिसेप्टर से हम लोग बोलेंगे एंजाइम लिंक रहेगा वैसा रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे एंजाइम लिंक रिसेप्टर, ठीक है ना। तो अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए कि कोई एंजाइम अगर कोई मान लीजिए कि रिसेप्टर से क्या चीज जुड़ा हुआ है एंजाइम जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि वो रिसेप्टर तभी काम करेगा जब हम लोग बोलेंगे वो एंजाइम वो जो एंजाइम है हम लोग बोलेंगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी है रिसेप्टर का वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। अनलेस अगर वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट नहीं होगा रिसेप्टर का, तब क्या रिसेप्टर किस फॉर्म में रहेगा, टर्न ऑफ रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि जब भी कभी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से कोई भी लाइगेंड बाइंड करेगा, ठीक है ना,
जो जो भी लाइगेंड होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर से, जब भी वो लाइगेंड बाइंड करेगा तो वो लाइगेंड क्या करेगा, एंजाइम लिंक रिसेप्टर का जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसको क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, या हम लोग बोलेंगे तो एक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और अगर एक बार एंजाइम लिंक रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये एंजाइम लिंक रिसेप्टर सेल के अंदर क्या करेगा, इंट्रा सेलुलर पाथवे को रन कराएगा। इंट्रा सेलुलर पाथवे जब रन करेगा तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो वैसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर होता है वो सेकंड मेजर फैमिली होता है किसका, सेल सरफेस रिसेप्टर का। और ये वैसा रिसेप्टर होता है जो रिसेप्टर किसके साथ लिंक रहता है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम के साथ लिंक रहता है। ठीक है, साइटोसोलिक डोमेन पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग बोलेंगे कि ऐसा रिसेप्टर अपने लाइगेंड से बाइंड करते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, तो बाइंडिंग के साथ क्या होता है, तो ये रिसेप्टर का जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और हम लोग बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर वो एक्टिव हो गया। और जब एंजाइम लिंक रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा तभी हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर क्या क्या चीज को रन कराएगा, इंट्रा सेलुलर पाथवे को रन कराएगा, जिसके कारण क्या होगा, सेल के अंदर सेलुलर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक चीज को आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा एंजाइम लिंक रिसेप्टर तो वो क्या होगा, वो लाइगेंड क्या करेगा, जो रिसेप्टर का जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसको एक्टिवेट कर देगा। और जिसके कारण क्या होगा, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग चलेगा या पाथवे चलेगा और सेलुलर रिस्पॉन्स होगा। बस इतना ही दिमाग में रखना है। ठीक है ना, तो अब देखो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके इसको डायग्राम से समझे, तो देखो कैसे करके समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाया हूँ। ठीक है, ये क्या चीजें, ये जो है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मंडल ऑफ क्या चीजें, टारगेट सेल है। ठीक है, तो ये जब प्लाज्मा मंडल ऑफ टारगेट सेल है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेल के बाहर ऐसे हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बोलेंगे या एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला पार्ट होता है ये साइटोसोल की तरफ है, प्लाज्मा मंडल के नीचे ये वाला पार्ट साइटोसोल की तरफ है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इंट्रा सेलुलर डोमेन या हम लोग क्या बोलेंगे साइटोसोलिक डोमेन। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं साइटोसोलिक पार्ट। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग रिसेप्टर को देखेंगे तो ये सब क्या चीज होगा, ये सब हम लोग बोलेंगे एंजाइम लिंक रिसेप्टर। मैं बस दो एंजाइम लिंक रिसेप्टर को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, सेल के प्लाज्मा मंडल में बहुत सारा क्या होगा, एंजाइम लिंक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग एंजाइम लिंक रिसेप्टर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो याद रखिएगा कि कोई भी एंजाइम लिंक रिसेप्टर है वो एंजाइम लिंक रिसेप्टर तीन पार्ट्स के मिलने से बनता है। इस चीज को एकदम याद रखना है। ठीक है, पहला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर वर्ड मैं लिखता हूँ, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्योंकि सेल के बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, क्या बोलेंगे पार्ट को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। ठीक है, और ये डोमेन में देखो ध्यान से क्या चीज हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट, ये क्या चीज से बाइंड करेंगे, ये लाइगेंड से बाइंड करेंगे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे। ये जो बाइंडिंग साइट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट जो पार्ट है सेल के बाहर है इसका हम लोग बोलते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर का, इस पार्ट को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के साथ साथ क्या बोल सकते हैं, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन भी बोलेंगे। ठीक है, मतलब बताने का मतलब ये हो गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन वाला जो पार्ट है एंजाइम लिंक रिसेप्टर का उसके पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट होगा, इसको बाइंड करने के लिए लाइगेंड को बाइंड करने के लिए, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि लाइगेंड बाइंडिंग साइट या लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन LBD। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब अगर हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट इसका एंजाइम लिंक रिसेप्टर का, सेकेंड जो पार्ट होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर का, देखो जो प्लाज्मा मंडल में क्या हम लोग बोलेंगे एक तरह से इम्ब्रेड है, या हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मंडल में क्या चीज है, स्पैन कर रहा है। ठीक है, ये प्लाज्मा मंडल में जो स्पैन कर रहा है रिसेप्टर का ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, याद रखिएगा। तो क्या बोलेंगे TMD, मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ये वाला क्या चीज हम लोग बोल रही है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, तो ये कि ऐसे करके मैं लिखाता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है रिसेप्टर का। ठीक है, तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, याद रखिए सिंगल पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिंगल पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है, याद रखिएगा सिंगल पाथ होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग सिंगल पाथ या सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि अल्फा हेलिक्स का बना होता है, ठीक है याद रखना। ठीक है ना, ये हो गया हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन ऑफ क्या चीज, ये एंजाइम लिंक रिसेप्टर।
उसके बाद अगर हम देखें जो थर्ड पार्ट होता है एंजाइम रिसेप्टर का, देखो ध्यान से, जो कि हम लोग बोलते हैं किस तरफ है, साइटोसोल की तरफ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक डोमेन, ठीक है, या इंट्रा सेलुलर डोमेन बोलेंगे। ये वाला पार्ट क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक डोमेन, क्योंकि ये कहां है हम लोग बोलेंगे साइटोसोल की तरफ, ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे साइटोसोलिक डोमेन या इंट्रा सेलुलर डोमेन। या देखो ईडी, ईडी का मतलब क्या चीज हो गया, एंजाइमेटिक डोमेन, ठीक है, इसका मतलब हो गया एंजाइम रिसेप्टर का जो एंजाइमेटिक जो पार्ट होता है या एंजाइम वाला पार्ट होता है वो किस पार्ट पे प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे इस पार्ट पे प्रेजेंट होगा रिसेप्टर का साइटोसोलिक डोमेन वाले पार्ट पे, क्या प्रेजेंट होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होगा, किसका, एंजाइम लिंक रिसेप्टर का, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा गया कि साइटोसोलिक डोमेन, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, याद रखना कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सेल्यूलर पाथवे तो रहकर आएगा, बहुत सारा पाथवे चल रहा है, तब एक हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स और टारगेट सेल, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये हम लोग बोलेंगे कोई भी एंजाइम लिंक रिसेप्टर हो उसका स्ट्रक्चर यही है, क्या चीज, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन या लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ये भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का होता है, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इंट्रा सेल्यूलर डोमेन या साइटोसोलिक डोमेन या एंजाइमेटिक डोमेन, ठीक है, और वो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, काइनेज एंजाइम होगा, ठीक है, इसको हम लोग काइनेज एक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर और क्या चीज, एंजाइम लिंक रिसेप्टर, अब देखो यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, क्या चीज है, ये जो मतलब बाइंड किया हुआ है, तब ये रिसेप्टर याद रखना मोनोमर फॉर्म के, मोनोमर फॉर्म में होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना, मोनोमर फॉर्म का मतलब हो गया ये रिसेप्टर, देखो यहाँ पर क्या कोई लाइगेंड से बाइंड किया, हम बोलेंगे कोई भी लाइगेंड से बाइंड किया, ये रिसेप्टर किस फॉर्म में, मोनोमर फॉर्म में, मोनोमर फॉर्म का मतलब हो गया कि हम बोलेंगे ये रिसेप्टर क्या 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 चीज है, इनएक्टिव है, ये रिसेप्टर क्या चीज है, इनएक्टिव है, जिसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, ये रिसेप्टर मोनोमर फॉर्म है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि जब भी कभी लाइगेंड बाइंड नहीं करेगा एंजाइम लिंक रिसेप्टर से, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनएक्टिव है वो रिसेप्टर, या हम लोग बोलेंगे वो रिसेप्टर किस फॉर्म में है, मोनोमर के फॉर्म में, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा, जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा, तब हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा मतलब क्या, ये जो एंजाइम जो एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होता है रिसेप्टर वो एक्टिवेट हो जाएगा, तब ये रिसेप्टर क्या रखना, मोनोमर फॉर्म में नहीं होगा, तब वो रिसेप्टर किस फॉर्म में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे तब वो रिसेप्टर किस फॉर्म में आ जाएगा, डाइमर के फॉर्म में आ जाएगा, तब जब हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिव होगा, तब ठीक है, और ये रिसेप्टर एक्टिव कब होगा, जब हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर से क्या जुड़ेगा, लाइगेंड जुड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब भी कभी रिसेप्टर एक्टिव होगा तो रिसेप्टर किस फॉर्म में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे डाइमर के फॉर्म में आ जाएगा, और डाइमर फॉर्म इंडिकेट कर रहा है कि रिसेप्टर से क्या जुड़ चुका है, लाइगेंड जुड़ चुका है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि जनरली लीड्स टू डाइमराइजेशन आफ्टर गेटिंग एक्टिवेटेड, इसका मतलब हो गया कि ये जो रिसेप्टर जो होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर वो इनिशियली किस फॉर्म में रहेगा, मोनोमर फॉर्म में रहेगा, मतलब ये रिसेप्टर दूर दूर रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे हम बोलेंगे लाइगेंड बाइंड करेगा इससे एंजाइम लिंक रिसेप्टर से, तो जैसे मान लीजिए लाइगेंड बाइंड करेंगे ना, ये क्या चीज है, लाइगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लाइगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, तब हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर का क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा, ये रिसेप्टर मतलब एंजाइम लिंक रिसेप्टर एक दूसरे के क्लोज आएगा, ठीक है ना, ठीक है, मैं यहाँ पर मैं जितना बता रहा हूँ ये रिसेप्टर क्या होगा, एक दूसरे के क्लोज आएगा, ठीक है, क्लोज आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है, किसका, रिसेप्टर का, जब भी कभी डाइमराइजेशन हो रहा है इसका मतलब क्या, ये रिसेप्टर तो जुड़ चुका है, लाइगेंड जुड़ चुका है, मतलब रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होगा, मतलब जो मोनोमर के फॉर्म में था रिसेप्टर, अब वो किस फॉर्म में आ गया, डाइमर के फॉर्म में आ गया, डाइमर के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब हुआ कि जो रिसेप्टर का जो एंजाइम वाला जो पार्ट है, मतलब जो काइनेज जो एक्टिविटी जो है वो क्या हो गया, ऑन हो गया, या हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो गया, अब ये जो काइनेज जो एंजाइम है, ठीक है, रिसेप्टर का, वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा,
इंट्रा सेलुलर पाथवे को रन कराएगा, जिसके कारण क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्ड होगा। तो बस एंजाइम जिंक रिसेप्टर में आपको इतना बेसिक जानना पड़ेगा कि हम लोग बोलेंगे डाइमराइजेशन क्या होता है, मोनोमर क्या होता है। जब ये इनएक्टिव रहेगा तो ये रिसेप्टर मोनोमर फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा तो रिसेप्टर इनिशियली क्लोज आ जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे रिसेप्टर किस फॉर्म में आ जाएगा, डाइवर्जेंट फॉर्म में आ जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलेंगे डाइमराइजेशन, जिसके कारण इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होगा और हम लोग बोलेंगे जब भी कभी एंजाइम रिसेप्टर से जुड़ा हुआ है तो ऐसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इस चीज को याद रखना, ठीक है। चाहे कौन सा भी आप एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पढ़िए, वो सारा का सारा टाइप्स का जो मतलब जो जनरल स्ट्रक्चर जो होगा ना, वो हम लोग बोलेंगे इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा। मतलब उसमें भी क्या होगा, एंजाइम सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा या लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एंजाइमेटिक डोमेन होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक डोमेन होगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या रिसेप्टर सेरीन और केटोनिन काइनेज, ठीक है ना। ये तीन टाइप होता है, याद रखना, एंजाइम लिंक रिसेप्टर का। पहला क्या चीज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, आरटीके। दूसरा क्या चीज, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। और थर्ड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिसेप्टर सेरीन केटोनिन काइनेज, ठीक है ना। तो चाहे कोई सा भी टाइप है, इस चीज का चाहे कोई सा भी टाइप है एंजाइम लिंक रिसेप्टर का सारा टाइप हमेशा याद रखना, इसी मेथड पे काम करेगा, इसी मेकैनिज्म पे काम करेगा। और सारा का सारा स्ट्रक्चर जो होगा, कोई सा भी टाइप हो, उसका सारा का सारा स्ट्रक्चर होगा, वो हम लोग बोलेंगे इसी स्ट्रक्चर के बेस्ड टाइप। इसीलिए ऐसा होगा क्योंकि ये सारा का सारा क्या चीज है, ये सारा का सारा क्या चीज है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर है। इस चीज पे याद रखना, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैंने क्या बोला था कि जब भी कभी एंजाइम लिंक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सेल के अंदर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेलुलर पाथवे को रन कराएगा, ठीक है। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है ना, ये भी क्या एंजाइम लिंक रिसेप्टर है ना। तो जब भी कभी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिव हो जाएगा तो वो सेल के अंदर याद रखना दो पाथवे को रन कराएगा, ठीक है। क्या करेंगे जी, दो पाथवे को रन करेगा। कब, जब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा तो पहला जो पाथवे होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रास मैप काइनेज पाथवे, या हम लोग बोलेंगे मैप काइनेज ऑब्लिक ई आर के पाथवे, सॉरी मैप के एंड ई आर के पाथवे, देखिए क्या है। और क्या चीज, इसको हम बोल सकते हैं ई जी एफ काइनेज पाथवे, ठीक है। ये पहला पाथवे हो गया। सेकेंड जो पाथवे होता है, इसको हम बोलते हैं सी आई थ्री काइनेज पाथवे और ए के टी पाथवे और एम डॉट पाथवे, ठीक है। तो इसको देख के इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बस इतना दिमाग में रखना कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है वो एंजाइम लिंक रिसेप्टर है, जब वो एक्टिव हो जाएगा तो दो पाथवे चलेगा, पहला को बोलेंगे रास मैप काइनेज पाथवे और दूसरा को बोलेंगे पी आई थ्री काइनेज पाथवे, ठीक है। रास मैप काइनेज पाथवे का दूसरा नाम भी हम लोग बोल सकते हैं मैप के डैश या के पाथवे, ईजीएफ काइनेज पाथवे बोलते हैं। क्या होता है ये हम लोग देखेंगे डिटेल में, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज का याद रखना। और दूसरा देखिए,
टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड जो रिसेप्टर है, ये भी क्या है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर ना, जब भी रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा तो इससे एक पाथवे चलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे जैक स्टैक सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। और जब रिसेप्टर सेरीन सिग्नलिंग काइनेज जब एक्टिव हो जाएगा, ये भी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, तो इससे एक पाथवे चलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग पाथवे या ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सिग्नलिंग पाथवे रन होगा, और क्या होगा सेल के अंदर सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन देखा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का। अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या होता है, उसके बाद ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज कैसे एक्टिव होगा, जब भी एक्टिव होगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो पाथवे होते हैं रास मैप काइनेज पाथवे वो कैसे करके रन होगा और क्या सेलुलर रिस्पॉन्स होगा वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पी आई थ्री काइनेज पाथवे या हम लोग बोलेंगे एक एटी पाथवे, इसको हम लोग नाम प्रोटीन काइनेज बी पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है, ये मैं बताऊंगा जब हम लोग सी आई सी काइनेज पाथवे देखेंगे तब, ठीक है। तो आपका जितना याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इससे जो पाथवे चलता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आर टी के पाथवे, मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे, ठीक है ना। ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे जब भी कभी रुकना आप लोग को टर्म आएगा तो याद देखिएगा कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे किससे रिलेटेड है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर से रिलेटेड है, मतलब ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से क्या चीजें रिलेटेड है और इसमें दो पाथवे ही रन करेगा, तब जाके क्या होगा सेलुलर सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में और इससे क्या पाथवे चलता है उसके बारे में, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।